बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें कैमरा 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स जितना मिलेगा 16 या 16 प्लस में या नहीं मिलेगा। सो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू लुधियाना ब्लॉगर पारुल चावला, एंड आप सबके प्यार से एंड सपोर्ट से वी हैव द फर्स्ट हैंड्स ऑन द आईफोन 16 प्लस इन लुधियाना ऑन 20th सितंबर। और अब सबके ये क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे कि जो न्यू आईफोन 16 आया है उसके रिव्यू क्या है, एंड उसमें जो मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम अगर प्रो सीरीज़ या नॉर्मल प्रो मैक्स सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी भी आईफोन सीरीज़ में, तो क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए इस प्रोडक्ट को या नहीं करना चाहिए, और साथ में ये भी है कि इस पे पैसा लगाना वर्थ है कि नहीं है, बिकॉज इट अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट अप टू 99K। सो इस पे पैसा लगाना वर्थ इट है या नहीं है। सो जो भी मेजर क्वेश्चंस है वो आज सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस का अगर आप भी आंसर ढूंढ रहे हैं, दैट दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपकी सपोर्ट एंड आपका लव ही मेरा मोटिवेशन है। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले 16 प्लस की, जो हमने लिया है यहाँ पे द अल्ट्रा मेरीन ब्लू कलर, जो इस जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही प्यारा कलर। आप चेक कर सकते हो, दिस इज़ द ब्लू वन, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, तो मैं आपको इसका भी पूरा रिव्यू दिखाता हूँ, सारी क्या चीज़ें न्यू इन्होंने ऐड की हैं, कौन से इन्होंने न्यू बटन्स ऐड किए हैं, और क्या कैमरा की क्वालिटी है, क्या बॉडी की क्वालिटी है। और अगर आप एक प्रो सीरीज़ लवर हैं तो आपने पहले 12 प्रो मैक्स या 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स यूज़ किया होगा। सो मैंने भी ऐसे मैं यूज़ कर रहा था दिस वन द आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो मैंने कहा क्यों ना इसके साथ भी एक रिव्यू डाल दें आपको, कि अगर आप प्रो सीरीज़ लवर हैं तो आपके पास अगर ये फ़ोन है तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें थी और अब आपके पास क्या क्या न्यू अपग्रेड्स आ गए हैं। तो आज हम यही सारा डिस्कस करेंगे अबाउट द 16 प्लस एंड द ओल्ड प्रो सीरीज़, एंड क्या इसको लेना वर्थ इट है या नहीं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड मैं सबसे पहले आपको शो करता हूँ द अल्टीमेट 16 प्लस, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एक बॉडी कलर मिल रहा है। यहाँ पे 5 न्यू कलर्स लॉन्च किए हैं, वाइट कलर है, अल्ट्रा मेरीन है, टाइटेनियम है, वे वेरियस कलर्स, बट दिस वन द मोस्ट लवेबल एंड द न्यू अपग्रेडेड कलर। सो अगर इसकी बॉडी की बात करें विद द प्रो सीरीज़ लाइक 14 प्रो मैक्स से अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर हम विड्थ चेक करेंगे तो विड्थ हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 0.2 mm का फ़र्क है सिर्फ यहाँ पे। दिस वन इज़ 7.6 एंड दिस वन इज़ 7.8, तो यहाँ पे विड्थ का इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ भी हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या पूरा सेम है, जो स्क्रीन साइज़ है वो बिल्कुल सेम है 14 प्रो मैक्स एंड 16 प्लस का। और अब अगर बात करें इसकी बॉडी की, तो यहाँ पे हमें मिलती है एल्युमिनियम बॉडी, बट इसमें हमें मिल रही थी स्टेनलेस स्टील बॉडी। सो एल्युमिनियम बॉडी के साथ साथ इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया, जो कि ये हैंडी हो गया अब। और ये हाँ, स्क्रीन साइज इसका बड़ा है बिकॉज आई लव द बिग साइजेस, तो मुझे स्क्रीन साइज इसका अच्छा लगा प्लस का। इसके साथ में अगर हम बात करें फ़ोन के बटन्स की, तो यहाँ पे वी हैव द लॉक एंड अनलॉक बटन, साथ में हमें यहाँ पे एक एक्शन बटन मिल जाता है, और अब iOS 18 के साथ तो हमें यहाँ पे इसके वेरियस फंक्शन भी मिल जाते हैं। एंड देन वी हैव द वॉल्यूम बटन एंड द सिम ट्रे। इसके साथ साथ अब जो न्यू बटन इन्होंने ऐड किया है, इसके भी मैं आपको पूरे फीचर्स बताऊंगा क्या इसके फीचर्स हैं। सो इसको डिस्कस करेंगे हम फीचर्स के अंदर। बट हम बॉडी की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमें 2 डुअल कैमराज मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा कैमरा है, क्योंकि इसमें माइक्रो कैमरा माइक्रो फोटोज़ के लिए भी है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसके साथ में एक फ्लैश मिल जाती है हमें यहाँ पे, एंड वी हैव द अपग्रेडेड टाइप सी जैक इन दिस, जो हमें पहले 14 प्रो में नहीं मिल रहा था, ना प्रो मैक्स में मिल रहा था। दिस इज़ लाइटनिंग केबल एंड दिस इज़ विद द टाइप सी। सो अगर हम इसके साथ में बात करें, मैंने यहाँ पे पूरा फ़ोन सेटअप कर लिया, क्योंकि मेजरली रिव्यू तो यूजेज के बाद एंड योर डाटा ट्रांसफ़र के बाद ही होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सारा डाटा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। एक जो चीज़ है जो मुझे 16 प्लस में नहीं अच्छी लगी, दैट वी डोंट हैव द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे वी हैव द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे हमारे पास नहीं है इस चीज़ को। तभी ये बैटरी में थोड़ा सा स्टैंड बाय इसका ज़्यादा है, और मैं सुबह से दोनों फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड यू कैन चेक इट, दिस इज़ ऑन द 39% एंड दिस इज़ ऑन द 63%। सो बैटरी बैकअप इसका ज़्यादा है, और बैटरी भी इसमें ज़्यादा है, बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा है, बट दिस इज़ विद द A18 प्रोसेसर विच इज़ वेरी फास्ट एंड विद द एप्पल इंटेलिजेंस, जो इसमें हमें नहीं मिलती है। इसमें हमें A16 चिप मिलती है, इसमें A18 चिप मिलती है। और इसके साथ में अगर हम बात करेंगे अब फ़ोन को अनलॉक करने की,
तो फ़ोन को अनलॉक करते हैं हम दोनों फ़ोन्स को, तो यहाँ पे अगर हम इसको भी अनलॉक करते हैं यहाँ पे, सो वी हैव द अनलॉक फ़ोन्स यहाँ। एंड इसके बाद में अगर हम चेक करें तो मैंने यहाँ पे सारे डाटा वगैरह ट्रांसफ़र किया है, अभी वेटिंग में चल रहा है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश हो रहा है। सो इसके साथ में अगर हम यूजेज की बात करें तो इसका प्रोसेसर 16 प्लस का थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है रेदर दैन 14 प्रो मैक्स, अपग्रेडेड चीज़ है। और उसके साथ में अगर हम यहाँ पे मेजरली बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं दैट इज़ इन द कैमरा सेक्शन। तो यहाँ पे हम कैमरा चेक कर लेते हैं दोनों का। अब जो न्यू फीचर यहाँ पे जो हमें मिला है इन द 16, दैट वी हैव दिस बटन विच इज़ विद द हैप्टिक फीडबैक, दिस बटन, लाइक वी कैन क्लिप द फोटोज विद दिस बटन एंड वी कैन जूम इन जूम आउट। सो हम सारा कुछ यहाँ पे इस बटन की हेल्प से ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे ड्रैग करके एंड दिस इज विद द हैप्टिक फीडबैक, अगर हम इसको थोड़ी देर ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे देन वी हैव द अगेन डिफरेंट फीचर्स। तो यहाँ पे हम फोटोज़ को ऐसे यहाँ पे प्रेस करके भी क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ कूल फीचर, बट इसका कितना यूजेज होगा दैट आई कांट अश्योर यू, क्योंकि ये हमें बाद में पता लगेगा कि हमें इसका यूजेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें फीचर्स की तो इसमें हमें A18 प्रोसेसर के साथ में एप्पल इंटेलिजेंस ऑन 18.1 वर्जन में मिलेगी, जो एप्पल का अपग्रेड है 18.1 का उसमें मिलेगा। बट इसमें जो मिलेगा वो भी मिलेगा क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द अपग्रेडेड के हम इसको iOS को अपग्रेड कर सकते हैं, बट इसमें हमें थोड़ा सा उसका प्रोसेसर स्लो मिलेगा। एंड द एप्पल इंटेलिजेंस इज मेनली द ऑटोमेटिक रिप्लाइज एंड यू कैन टेक अ पिक्चर, तो आप पिक्चर से चेक कर सकते हैं उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ द मेजरली एप्पल इंटेलिजेंस। और एक जो इसकी बॉडी स्टाइल है दैट आई लव्ड इन द 16 प्लस, इसका बॉडी स्टाइल एंड होल्डिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा है रादर देन 14 प्रो मैक्स। इसकी कर्व एजेस हैं, इसकी स्ट्रेट एजेस हैं, सो दिस इज़ नॉट दैट शार्प एंड दिस इज़ वेरी शार्प विद द एजेस। तो यहाँ पे बहुत हार्ड हमें एजेस मिलते हैं, तो यहाँ पे भी हमें सेम बटन वगैरह, बट यहाँ पे हमें एक्शन बटन नहीं मिलता, अप एंड डाउन साइलेंट एंड रिंगर बटन मिलता है। बट नाउ वी कैन यूज़ दिस इन द सेटिंग बाय चेंजिंग इट सेटिंग, तो हम यहाँ पे साइलेंट वगैरह तो कर सकते हैं, बट बाय होल्डिंग वी कैन चेंज इट टू द रिंग एंड वी कैन ऑल्सो चेंज इट टू द सेटिंग्स कि हम इसमें से अगर कैलकुलेटर या अपने टॉर्च वगैरह ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो विद दिस एंड जो इसकी जो अगर हम 14 प्रो मैक्स की बात करें, यहाँ पे हमारे पास तीन कैमराज मिलते हैं विद द LED एंड साथ में हमें यहाँ पे लाइटनिंग केबल के साथ नॉर्मल स्पीकर्स मिलते हैं, बट इन द 16 एंड अदर सीरीज वी हैव द डॉल्बी स्पीकर्स एंड दिस इज़ अ वाटर रेजिस्टेंट अप टू 60 मिलीमीटर डेप्थ एंड विद 30 मिनट्स। सो इसमें भी ये चीज़ मिल जाती है हमें 14 प्रो मैक्स में, बट इसमें डॉल्बी विजन नहीं मिलता हमें स्पीकर्स में, इसमें हमें डॉल्बी विजन भी मिलता है। एंड कैमरा की सेटिंग में अगर हम चेक करें, वी हैव अ न्यू स्पैचुला मोड जिसमें हम बैकग्राउंड की सारी जो दिस इज़ द फॉर द फोटोज़ ऑल्सो एंड द वीडियो ऑल्सो, जिसमें हमें यहाँ पे मेजरली क्या मिलेगा, जो बैकग्राउंड की हमारी जो वॉइस होती हैं हमें वो भी डॉल्बी के एक्शन में मिल जाएंगी। देन वी हैव द सेटिंग्स टू द HD इन द 30 पिक्सल रेट एंड इन द कैमरा वी हैव द लाइव फ़ोटो एंड नॉन लाइव फ़ोटो। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट हमें 16 में नॉर्मल में ही पोर्ट्रेट मिल जाता है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें कैमरा 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स जितना मिलेगा 16 या 16 प्लस में या नहीं मिलेगा। तो येस, यू विल हैव द कैमरा फीचर्स एज सेम एज द प्रो सीरीज, बट जो 16 प्रो सीरीज एंड प्रो मैक्स सीरीज हैं उनका कैमराज में और भी अच्छे फीचर्स हैं, बट दैट इज़ टू मच कॉस्टली, तो मेरे को इतना स्पेंड करना नहीं मेरे को वायबल लगा कि हाँ भी, क्योंकि अभी ब्लैक में चल रहा है 16 प्रो मैक्स, वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है तो ब्लैक में चल रहा है, तो मैंने कहा वाई टू स्पेंड, अगर मेरे को अच्छी चीज़ नॉर्मल रेंज में मिल रही है तो वाई नॉट। सो इसके साथ में अगर हम बात करेंगे अब इसके फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स में यहाँ पे हमें 16 में एप्पल इंटेलिजेंस के साथ बहुत ही एक फास्ट प्रोसेसर मिलता है एंड वो हमें प्रो सीरीज नॉर्मल प्रो सीरीज में नहीं मिलता। देन विद वन हैंड टच, इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा ड्यू टू इट्स एजेस थोड़ा ज़्यादा इस पे एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इन दिस वी हैव द सिंपल एफर्ट्स, नो एफर्ट्स मेजरली। एंड विद द iOS 18 वी हैव द अपग्रेडेड वर्जन टू आर पासपोर्ट, टू आर फोटोज, टू आर लोकेशंस, जो हमें पहले 17 एंड अदर में नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने पूरा चेंज किया हुआ, अगर आप इसको नॉर्मल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार नॉर्मल में भी दिखा देता हूँ दैट हाउ इट विल लुक इन द नॉर्मल। तो दिस इज़ अ नॉर्मल वे, अगर इसको मैं आपको चेक करवाऊँ,
सो आई हैव डन द सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेज. तो इसमें नॉर्मल आपको ऐसे मिलेगा सारी चीज़ें. बट वेन आई अपग्रेडेड टू 18 iOS तो मैंने सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया. सो आई हैव द डार्क मोड्स टू द लोगोज एंड एवरी थिंग्स. तो यही सेम चीज़ मैंने इसमें भी कर दी क्योंकि मैंने डाटा ट्रांसफ़र किया तो सेम टू सेम हमें मिल गया यहाँ पे. सो वी गो टू स्लीप मोड तो यहाँ पे हमें सारा डार्क ग्लो भी मिल जाता है सेम. यू कैन चेक इट आउट. तो हमें यहाँ पे सारा डार्क ऐप्स मिल गए. तो यहाँ पे मेरे पास सारे डार्क ऐप्स हैं. तो दिस इज़ अ सेटिंग यू कैन कस्टमाइज इन iOS 18 इन एनी ऑफ द 11 एंड 11 प्लस सीरीज जो आप चेंजेस कर सकते हैं. एंड अब बात करेंगे कि हाँ भी इज़ इट वर्थ इट और नॉट. सो आई विल से येस इट्स वर्थ इट प्रोडक्ट अगर आप 16 की सीरीज़ में जाना चाहते हैं देन 16 एंड 16. बट 16 में कोई इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज प्रो मैक्स सीरीज लवर्स को स्क्रीन साइज अच्छा चाहिए होता है. तो आई रिकमेंड यू द 16 प्लस एज के अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी चीज़ को तो यू कैन मूव टू द 16 प्लस और 16 अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए. बट मेरे को 16 प्लस बहुत अच्छा लगा. अब इसकी यूजेज करके हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. तो यहाँ पे अभी तक बैटरी तो हमारी यहाँ पे 38 हुई, यहाँ पे 62 हुई, सेम यूजेज में आ गई. सो बाकी यूज़ करके प्रॉपरली हमें पता लग जाएगा कि किस में क्या फीचर्स अपग्रेड हुए हैं. और एक और चीज़ है कि जो 14 प्रो मैक्स था वो 18 iOS के बाद में हीट अप करने लग गया था बहुत ज़्यादा. प्रो सीरीज सारी 14 और 15 ये iOS 18 के बाद बहुत ज़्यादा हीट अप हुई है. बट 16 में मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक क्योंकि मैंने इसका भी जब डाटा ट्रांसफ़र किया तो आईफोन 14 प्रो मैक्स गॉट हीटेड एंड 16 को कुछ भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहा. इस पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं आया हमें. सो विद द डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें नहीं है और इसमें है हमारे पास. बस ये एक मेरे को लगा है कि हाँ भी ये इसमें एक एडवांटेज थी इसमें नहीं है. बट बैटरी सेव करने के लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन. हम भी बंद ही रखते हैं मोस्टली. सो यू कैन अपग्रेड टू द 16 प्लस विद द कूल कलर्स एंड यू हैव द मेनी ऑप्शन इन दैट. एंड इसमें कोई ब्लैक नहीं हो रही है अभी नॉर्मली आपको मिल जाएगा ये सारी जगह पे. एंड यू कैन स्वाइप अवे ऑल्सो ऑन द बजाज कार्ड्स एंड द EMIs यू कैन टेक इट ऑन. एंड इस पे कुछ कैशबैक ऑफर्स भी चल रहे हैं दैट यू कैन गो टू द एनी ऑफ द एप्पल स्टोर तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा. एंड अगर हम अब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बॉक्स में वी हैव अ लाइटनिंग टाइप सी केबल जिसको मैट फिनिश में हमें यहाँ पे मिल रही है. सो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज़ द टाइप सी पोर्ट्स ऑफ द केबल बोथ साइड एंड वायर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर कर दी क्योंकि हमें जॉइंट से टूटने की बहुत ज़्यादा इशू आता था. अब वो इशू इसमें नहीं आएगा. सो इसके साथ में कोई हमें चार्जर नहीं मिलता ना ही हेडफोन्स हमें मिलते हैं. सो दिस इज़ अ सिंपल बॉक्स. ये मेरे को एक ड्रॉबैक एप्पल की ज़रूर लगती है कि वो कुछ भी साथ में नहीं देते. सो एनी हाउ वी हैव द चार्जर ऑफ द 14 प्रो मैक्स वी विल यूज़ दैट ओनली. सो इसको यूज़ करके मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि हाँ भी 16 प्लस का एक्चुअल में यूजेज के बाद क्या रिव्यू आता है. बट अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं देन यू कैन ईजिली अपग्रेड टू 16 प्लस और 16 ईजिली. अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है देन यू कैन गो टू द प्रो मैक्स सीरीज और प्रो सीरीज. सो दैट्स अप टू योर बजट. बट येस 16 प्लस इज़ अ गुड ऑप्शन टू बाय. एंड विद द न्यू फीचर्स आप इसमें सारे एसेस कर सकते हैं जो प्रो एंड प्रो सीरीज प्रो मैक्स सीरीज में है. बस उसमें एक कैमरा आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है. एंड हाँ मैं एक बात कर रहा था आपसे माइक्रो कैमरा की तो मैं वो आपको भी चेक करा देता हूँ अभी कि उसमें क्या है हमारे पास. लाइक फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर्स अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं तो दैट वी डोंट हैव द असेस इन द 14 प्रो मैक्स. तो यहाँ पे अगर हम 16 के बॉक्स को चेक करते हैं तो अगर हम इसको बिल्कुल जूम कर लें तो दिस इज़ द 2 सेंटीमीटर्स गैप. तो यहाँ पे आप प्रॉपरली इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द माइक्रो फोटोग्राफी. अगर हम 14 प्रो मैक्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें इतनी क्लोज से नहीं आएगी. दिस इज़ अ ब्लर, टोटली ब्लर. यहाँ पे आके थोड़ा ये अगर हम इसको प्रॉपरली 2 सेंटीमीटर पे लेके जाएंगे तो नहीं ये बहुत ब्लर है अभी भी. तो जब इसको हम लेके जाता है दिस इज़ द माइक्रो कैमरा फीचर ऑफ 16 प्लस एंड 16 प्रो एंड द अबव सीरीज इन द 16. सो ये बहुत एक अच्छा फीचर अगर हम क्लोज फोटोज लेना चाहते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट फीचर इन दैट. देन वी हैव द दिस ऑल्सो द कैमरा एक्शन बटन. वी कैन ऑल्सो स्वाइप टू द डायरेक्टली टू द कैमरा फ्रॉम दिस वे एंड क्लिकिंग दिस एंड वी कैन टेक द फोटोज ऑन द क्विक बेसिस. सो यहाँ से जूम इन जूम आउट एंड वी हैव द अदर मल्टी फंक्शनल ऑप्शन ऑल्सो. सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. बाकी यूज़ करके पता लगेगा. सो
देखते हैं हम इसको एक बार यूज़ करके, देन वी विल ऑल्सो पुट अ न्यू वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट आईफोन इन पंजाब जो मैंने आपको अनलॉक करके एंड सारे फीचर्स मेजरली दिखा दिए, एंड इसके साथ में बाकी यूजेज पे डिपेंड करता है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, एंड पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे न्यू एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नवी वीडियो के साथ।